अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से है, जहां रविवार को माताओं ने अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा पाठ कर कमरछठ का पर्व मनाया। बता दें कि कमरछठ छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर घरों के आंगन सहित गली मोहल्लों में महिलाएं सगरी बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर कमरछठ की कहानी सुनती है। व्रत है जो है महिलाएं जो है रहती है इसमें, और जिनका जो है मतलब ये व्रत जो है इसमें भैंस का जो है दूध दही का इसका विधान रहता है, छह प्रकार का जो है अन्न जो है ये रहता है इसमें, और इसमें जो है उपास जो है महिलाएं रहती है, और इसमें जो है जिनका जो है पुत्र वगैरह जो है इनको है उनका भी जो है संतान से जो संबंधित जो है वो भी जो है उनका जो मनोकामना है वो पूरा होता है, और अंत में जो है कथा के अंत में जो है हम षष्ठी माता का उसमें जो पोता जो है छह बार जो है माताएं जो है अपने बच्चों को पोता मारती है, और सगरी में जो है तालाब में जो है मतलब ऐसे मतलब डुबा के जो है पैर जो है आधा डुबा के निकालते हैं, तो इससे जो है बच्चों का और खिलौना वगैरह जो है बच्चों को जो है बनाते हैं मिट्टी का जो है, और इसे बना के बांटते हैं बच्चों को, तो इससे जो है बच्चे भी खुश रहते हैं, और जो है जिनको जो है इनकी संतान की प्राप्ति होती है और उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। ये हलषष्ठी माता का जो है व्रत का जो है नियम, और ये जो है इसमें रहते हैं जो है नियम है कि सबसे पहले माताएं जो हैं वो अपने संतानों के लिए व्रत रखती हैं, और सुबह स्वच्छ होके स्नान करके पूरे नियम के साथ में ये करती हैं, और इस ये जो व्रत है उसमें पसेर चावल का इस्तेमाल होता है जो बिना हल चला हुआ होता है, और सगरी जो मतलब ज़मीन में जो गड्ढा किया जाता है वो उसको सगरी कहा जाता है, उसमें क्या है पानी डाल के दूध दही भैंस के दूध और दही का इस्तेमाल किया जाता है आज के दिन, और फूल पुष्प से नाव मिट्टी के सब शंकर भगवान की सब मतलब प्रतिमाएं बनाकर शिवलिंग बनाकर उसका पूजा अभिषेक किया जाता है, और बाद में फिर छह प्रकार की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में फिर ये व्रत हमारा पूरा होता है, और फिर इसके बाद में जितनी सब माताएं हैं अपने संतानों के दीर्घायु के लिए वो करती हैं, संकल्प करती हैं और ऐसे मनोकामना करती हैं कि उनके संतानों का जो आयु है वो दीर्घ हो, अच्छे मार्ग पर चले, बस यही है इसका नियम।